गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ रमेश कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दोसा. जैसा कि अपन ने जो सब्जेक्ट चल रहा है अपना सर्किट एनालिसिस, उसमें अपन ने बेसिक लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक नेटवर्क कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था. उसमें डिफरेंट टाइप के आपके नेटवर्क एलिमेंट्स होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था. तो अपने पांच टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ा था. आपका एक होता है आपका एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स, उनको अपन कैसे अलग अलग कर सकते हैं. एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाए, या आपके जो भी एनर्जी है उसको एम्पलीफाई करें. इसके एग्जाम्पल हैं आपके ट्रांजिस्टर है. ऐसे पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपको कोई एनर्जी उपलब्ध नहीं कराए बल्कि एनर्जी को स्टोर कर दें या उसको डिसिपेट करें. इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं RLC. जो R होता है वो आपका एनर्जी डिसिपेट करता है, जबकि L और C होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है. तो जो पैसिव एलिमेंट्स के एग्जाम्पल आपके क्या हो गए, RLC. ऐसे ही आपके लीनियर और नॉन लीनियर. लीनियर एलिमेंट्स वो होते हैं जो आपको रिलेशनशिप बिटवीन V और I इज लीनियर, यानी जो भी आपका V और I में जो संबंध रहेगा, जो ग्राफ बनाते हैं अपन, वो लीनियर रहता है. जबकि नॉन लीनियर में आपका जो V I और ग्राफ में जो ग्राफ बनेगा वो नॉन लीनियर रहेगा. लीनियर के जो एग्जाम्पल हैं वो आपका RLC होता है, जबकि नॉन लीनियर के एग्जाम्पल होते हैं वो आपका डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे कि आपके SCR हुआ, डायक हुआ, और ट्रांसफॉर्मर है. इस टाइप से आपके नॉन लीनियर एलिमेंट्स हो गए. उसके बाद में अपन ने लैम्ब्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था. लैम्ब्ड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपन फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कि आपका RLC होता है किसी भी सर्किट में, उसको अपन अलग अलग कर सकते हैं. जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपन अलग नहीं कर सकते हैं. तो जैसे कि आपके ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन का रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है. वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होता है, वो पूरी की पूरी लाइन का होता है. उसको अपन अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स. इसके अलावा अपन ने जो और क्लासिफिकेशन पढ़ा वो आपका टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट का पढ़ा. टाइम वेरिएंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक है वो टाइम के साथ बदल जाए, टाइम के साथ उसका फंक्शन बदल जाए. और ऐसे ही आपका टाइम इनवेरिएंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक हो टाइम के साथ बदले नहीं, उसको अपन टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स बोलते हैं. आज अपन जो इसमें सर्किट एनालिसिस में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपके RLC होते हैं. इसके अलावा बेसिक जो आपकी टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे वोल्टेज हुआ, करंट हुआ और चार्ज हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो अपन पहले 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. लेकिन आगे के लिए अपन को इसको बेसिकली कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा. तो अभी अपन जो पहले स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज से. तो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसको अपन कूलाम्स से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और इसको अपन डिनोट करते हैं वो आपका कैपिटल C से डिनोट किया जाता है. तो बेसिकली चार्ज होता है वो क्या होता है, जब आपके कोई भी आपका
मेटल होता है या कोई भी आपका पार्टिकल्स होता है जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगे, तो उसको अपन इलेक्ट्रिकल चार्ज बोलेंगे। तो जो चार्ज होता है वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव को अपन प्रोटॉन की फॉर्म्स में देखते हैं, नेगेटिव को अपन इलेक्ट्रॉन की फॉर्म्स में देखते हैं। यदि किसी पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको अपन न्यूट्रल बोलेंगे। तो चार्ज अपन उसी को बोलेंगे जिस पे या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको अपन इलेक्ट्रिकल चार्ज बोलते हैं। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ चुके हैं फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि अपन ने पहले एक इक्वेशन पढ़ी है इक्वल टू क्यू ई होता है। तो जब अपन इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी भी चार्ज को, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो जिसके जिस पार्टिकल्स पे फोर्स लगता है उसी को अपन चार्ज बोलेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं Q की वैल्यू, कूलाम की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो फोर्स किसके बराबर लगेगा? E के बराबर। यानी यूनिट चार्ज पे जो उसके ऊपर फोर्स है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लगेगा या उसके बराबर होगा, उसको अपन यूनिट चार्ज बोलेंगे। यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स लगता है उसको अपन चार्ज बोलते हैं। तो यूनिट अपन ने बताया कि जो आपकी चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम्स होती है। जो कूलाम्स होता है इसने जो खोजा था साइंटिस्ट उसके नाम पे पड़ा है। और 1 कूलाम होता है, कूलाम 1 कूलाम किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर और सेकंड के बराबर होता है, क्योंकि अपन जानते हैं क्यू इक्वल टू आई होता है, आई टी होता है। तो आई इक्वल टू 1 है और टी इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे आई को अपन 1 एम्पियर ले रहे हैं, टी को सेकंड में, तो इसके बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 गुलाम हो जाएगा। तो 1 गुलाम होता है वो किसके बराबर होता है? 6.24 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई। यहाँ पे अपन क्यू की वैल्यू 1 रखेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/e हो जाएगा। e का अपन वैल्यू अपन जानते हैं, e के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.602 × 10^-19। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 कूलाम की, वो आ जाएगी 6.24 × 10^18। तो जो चार्ज और जो करंट में जो रिलेशन होता है वो आपका q इक्वल टू आई टी होता है। नेक्स्ट इस पे अपन क्वेश्चन करें इलेक्ट्रिक चार्ज पे, जो जनरली क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। इफ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 2 मिनट्स, आपका कोई वायर है जिसमें से आपके 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, कितने देर के लिए? 2 मिनट के लिए। एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी क्वांटिटी अपन को मालूम करनी है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे। अपन जो भी रिलेशन जानते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। आई आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आई कितना दे रखा है? 5 एम्पियर। और टी कितना दे रखा है? 2 मिनट। तो इसको मिनट को अपन सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो अपन जानते हैं 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 × 60 कर दोगे तो 120 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 × 120, तो कितना हो जाएगा? 600 कूलाम। तो ये आपका चार्ज होगा वो आपका ट्रांसफ़र होगा। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होते हैं चार्ज पे,
वो आपका इस रिलेशन से ही दिए जाते हैं। इसके बेसिस पे अपन आगे और भी क्वेश्चन करेंगे जो आपके करंट से रिलेटेड होंगे और चार्ज से भी रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं लिया जाता है, ये आपके दो पॉइंटों के बीच में लिया जाता है। तो कोई भी आपका पार्टिकल्स है उसको अपन एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट को ले जाएंगे, तो उसको ले जाने के लिए जितना वर्क आपको रिक्वायरमेंट होगा उसको अपन उसका वोल्टेज बोलेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, वोल्टेज इज़ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अभी मैंने बताया कि आपका वोल्टेज होता है किसी पॉइंट पे नहीं होता, ये हमेशा दो पॉइंटों के बीच में होता है। अब अपन कोई भी एक यूनिट चार्ज ले लेते हैं जिसको अपन टेस्ट चार्ज बोलेंगे। इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो मान लेते हैं इसका वर्क होता है W। तो जो भी आपका इसको वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, जितना रिक्वायरमेंट भी, वो उसका क्या हो जाएगा? वोल्टेज। तो इसको अपन इस फॉर्मूले भी से भी दे सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी दे सकते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। तो Q का मान अपन मान रखेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W। अब आपका W जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका वोल्टेज रहेगा, यानी W एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो आपको वर्क होगा वो उसका पोटेंशियल सॉरी वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जूल पर कूलाम, क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल्स होती है। और अपन क्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, क्यू को अपन कूलाम से डिफाइन करते हैं। तो इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी जूल पर कूलाम, अरे जूल पर कूलाम को ही अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इसकी जो यूनिट होती है या वोल्टेज को अपन किस में मापते हैं? वोल्ट। और इसको कैपिटल वी से डिफाइन करते हैं। तो जब भी आपका कैपिटल वी आता है तो उसको मतलब समझ जाना ये क्या है? आपका वोल्टेज है। वोल्टेज को कभी कभी अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। और क्योंकि वोल्टेज होता है वो आपका जो ईएमएफ होता है उससे आपका अलग होता है, इसलिए अपन को ये समझना चाहिए कि ईएमएफ और वोल्टेज होता है वो आपका दो अलग अलग चीज़ होती है। वोल्टेज हमेशा रिलेटिव होती है, कभी भी ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है। एब्सोल्यूट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, इसको अपन किसी रिलेटिव यानी किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज देते हैं। तो यदि उस दूसरे पॉइंट को या रेस्पेक्ट को अपन जीरो मान लेते हैं तो आपका वो जो पॉइंट होता है जो वोल्टेज होता है वो एब्सोल्यूट बन जाता है। रेस्पेक्ट को अपन जीरो मान लेते हैं, रिलेटिव टू ग्राउंड मान लेते हैं, तो आपका जो भी वोल्टेज आएगा वो आपका फिर एब्सोल्यूट बन जाएगा। लेकिन कभी भी वोल्टेज होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, वो हमेशा रिलेटिव टू होता है। यदि कहीं पे रिलेटिव नहीं दे रखा है तो वो हमेशा उसको अपन क्या मानते हैं? ग्राउंड मानते हैं। तो एक पॉइंट होता है वो आपका जीरो होता है। तो अपन बात करते हैं, द वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज 5 वोल्टेज। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे जो वोल्टेज है ए का, जो वोल्टेज है ए का वो आपका 5 वोल्टेज है। और जो वोल्टेज ए का है वो आपका 5 वोल्टेज का है, इक्वल टू 5। और जो आपका वोल्टेज बी है वो कितना है? 0 है। तो जहाँ पर भी आपका वोल्टेज नहीं दे रखा है
तो उसका जो दूसरा पॉइंट होता है उसको अपन ग्राउंड मान लेंगे। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी करंट है। तो करंट को बेसिकली जानने से पहले अपन इसमें कुछ एटम्स के बारे में जानना पड़ेगा। अपन जानते हैं एक एटम्स होता है, एटम्स होता है, एटम्स में आपका एक न्यूक्लियस होता है जो आपका यहाँ पे देखिए ये बीच में जो आपका जो ग्रीन कलर में है वो आपका न्यूक्लियस है और बाहर आपका एटम्स है। और इसके बाहर आपके कुछ येलो कलर में होते हैं तो ये आपका बाहर आपका ये जो रेड कलर में ही आपका एक एटम है, इसमें जो ग्रीन कलर है ये आपका न्यूक्लियस है और इसके बाहर जो ये येलो कलर में है सर्किल में देंगे येलो कलर में है ये आपका क्या है आपके एनर्जी लेवल है जिसको अपन ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो अपन जानते हैं जो इसका न्यूक्लियस होता है उसमें आपके दो पार्टिकल्स होते हैं, एक आपका न्यूट्रॉन होता है, एक आपका प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये आपका न्यूट्रॉन होता है इस पे आपका कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन होता है इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका बाहरी लेवल में फ्रीली घूमते हैं, जो ऊर्जा लेवल होता है उसमें घूमते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा होती है उस हिसाब से वो अलग अलग लेवल में बाहर चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपके एटम्स अलग अलग होंगे उसी हिसाब से उसमें प्रोटॉन और आपके इलेक्ट्रॉन्स का मान अलग अलग हो जाएगा। तो जो प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है बराबर होती है, या अपन ये बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रिकली बैलेंस होते हैं। अब अपन जानते हैं जो प्रोटॉन पे होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आपका नेगेटिव चार्ज होता है। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जबकि आपका प्रोटॉन होता है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो इसलिए यदि नंबर ऑफ संख्या बराबर हो तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिकली ये बैलेंस हो गया, या ऐसे बोल सकते हैं अपन, जो भी एटम्स होता है वो क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है। अब जो अपन ने सेल्स पढ़े हैं, इसमें क्या होगा आपका जो न्यूक्लियस से अलग अलग सेल्स बने हुए हैं, तो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स आपका राउंड लगाता रहता है न्यूक्लियस के। तो जो भी एटम्स होते हैं उसके अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका जो न्यूक्लियस है इससे अट्रैक्टेड रहते हैं, यानी आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन बॉन्ड बना होता है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के पास में वाली जो सेल्स होते हैं उसमें है, तो उसके ऊपर क्या होगा अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, और जो बाहरी सेल में है उसके ऊपर आपका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हैं, जो बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हैं वो अपने जो सेल्स से उसमें से फ्री होकर के रैंडमली घूमने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपके जो, या ये बोल सकते हैं, जो भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस एटम से बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे ये एटम्स बाहर निकलेंगे इस इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के पास चले जाएंगे, तो इस एटम के पास क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होते ही इसके ऊपर जो आपका सिंबल बन जाएगा, तो लूज कर रहा है तो ये पॉजिटिव चला हो जाएगा, और दूसरा एटम्स उसको रिसीव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा नेगेटिव आयंस हो जाएगा। तो अब इसको अपन एटम ना बोल के इनको अपन क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। तो इस तरीके से आपका एटम्स है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहा है वो रैंडमली घूमता रहता है। अब इसके ऊपर कोई वोल्टेज लगा देते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाती है, और जो डायरेक्शन होता रहती है, और इसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ड्रिफ्ट करने लगता है, यानी एक दिशा में चलने लग जाता है। इस तरीके से जो आपकी चार्जेज हैं वो एक दिशा में ड्रिफ्ट करेंगे, और इसके जो ड्रिफ्ट का जो कंसेप्ट होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोल देते हैं। और करंट होता है वो क्या होता है, करंट इज़ द रेट ऑफ मोमेंट ऑफ चार्ज, यानी जो आपकी वहनी की जो रेट होती है चार्ज की उसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो बेसिकली जो करंट होती है वो हमेशा क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज़ द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो इसकी जो यूनिट होती है वो इसकी एम्पियर होती है, और एम्पियर को अपन ए से डिफाइन करते हैं, डिनोट करेंगे वो कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, या इसको अपन काम में लेंगे तो इसको स्मॉल आई से अपन काम में ले सकते हैं, या कैपिटल आई से भी ले लेते हैं। तो जब भी आपका इसमें यहाँ पे सर्किट एनालिसिस में स्मॉल आई या कैपिटल आई आता है, तो उसके बारे में ये समझ आना वो आपका करंट है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ़ यू पास 500 मिली एम्पियर ऑफ करंट थ्रू ए बल्ब, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू इट इन 5 मिनट्स। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। तो आपको करंट दे रखी है 500 मिली एम्पियर, इसको अपन एम्पियर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं जो भी आपका इसमें SI यूनिट चलती है, तो SI में आपका जो भी करंट होती है उसकी एम्पियर्स होती है, मिली होती है वो कितनी होती है 10 की पावर -3। तो इसको अपन 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। टी दे रखा आपको 5 मिनट 5 मिनट, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60 तो 300 सेकेंड हो जाएगा। अब अपन जानते हैं फॉर्मूला I इक्वल टू क्या होता है, DQ/dt या Q/T, Q की वैल्यू रखेंगे, सॉरी I की वैल्यू रखेंगे, I की वैल्यू कितनी है 0.5, T की वैल्यू दे रखा आपको 300, तो यहाँ से Q आ जाएगा
150 कुलाम। अपन जानते हैं 1 कुलाम बराबर क्या होता है, 6.2 × 10⁻¹8, तो इसे अपन गुणा कर देंगे तो 150 × 6 × 10⁻¹8, ये आपका सिंबल है वो आपका पावर का है। तो यहाँ पे 150 को 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 900, इसको अपन क्या हो जाएगा 9 × 10⁻²¹20। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द करंट सप्लाई बाई अ सेल इफ़ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सेल इज इन 2 मिनट्स इज 240 कूलम। ये आपका चार्ज दे रखा है और ये आपका टाइम दे रखा है, तो अपन को क्या करना है, आपको करंट निकालनी है। तो क्यू इक्वल टू 240 क्यू इक्वल टू आपका दे रखा है आपको 240, टाइम आपको 2 मिनट्स दे रखा है, इसको अपन सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना हो गया 120 सेकेंड हो गया है। अब अपन जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन टी। यहाँ पे अपन क्यू की वैल्यू रख देंगे और टी की वैल्यू रखेंगे तो आपका क्यू का कितना मान है 240 और टाइम का कितना है 120, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। आईकल टू कितना आ गया 2 एम्पियर। तो इस तरीके से आपके सिंपल क्वेश्चन है वो जर्नलिस्ट में पूछ लिए जाते हैं आपके कंपटीशन में। नेक्स्ट जो इस पे क्वेश्चन पूछते हैं वो आपका या तो आई पे पूछेगा या क्यू पे हो गया या टी पे। तो अपन ने आई कैलकुलेट कर लिया, क्यू कर लिया, अब टी की बारी आती है। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी टेकन बी द टेक टाइम टेकन ऑफ करंट ड्रोन ऑफ 74,104 माइक्रो एम्पियर बाई द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एज 1000 कूलम। यानी अपन को टाइम निकालना है, यानी इतने जो आपकी करंट है इसको फ्लो होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि इसमें करंट इतना आपको चार्ज दे रखा है। तो आपको आई आपको दे रखा है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए पहले। तो आई आपको दे रखा है तो कितना दे रखा है 74,104 माइक्रो एम्पियर। तो इसको अपन को एम्पियर में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10 × 10⁻¹⁶, ये कितना होता है 1 माइक्रो एम्पियर। दस की पावर माइनस सिक्स। तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है 10⁻¹⁶ एम्पियर। वन माइक्रो इक्वल टू कितना होता है 10⁻¹⁶ एम्पियर। तो इसको अपन जो भी आपका 74,104 है इसको 10⁻¹⁶ से गुणा करेंगे तो यहाँ पे पावर 6 है, ठीक है। तो इसको 10⁻¹⁶ है तो ये आपका नीचे जाएगा तो 1/10⁻¹ बनेगा। तो उतने अपन को जो लास्ट पॉइंट्स है उसके 6 डिजिट वार्ड में 0 लगा देंगे। तो अपन यहाँ पे डिजिट गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही हैं लेकिन 5 नहीं है 6 नहीं होनी चाहिए। तो अपन 10 लगा देंगे उसके बाद में पॉइंट लगा देंगे तो 0.074104 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करंट आ गया है, कूलाम आपको चार्ज दे रखा है, आपको चार्ज कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1000 कूलाम। अब अपन को टी कैलकुलेट करना है
तो आपका जो बेसिक जो जो इसमें फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे आई रख देंगे और क्यू रख देंगे और टाइम कैलकुलेट निकाल देंगे, सॉरी टाइम निकाल देंगे। तो आपका टाइम आ जाएगा इस तरीके से, अपन कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो इसके एलिमेंट्स होते हैं आर एल सी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।